नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। आमतौर पर मर्दानगी का ख्याल समाज में सेक्स परफॉर्मेंस तक ही सीमित होकर रह गया है। मर्दों में सेक्स में परफॉर्मेंस का डर इस हद तक हावी हो जाता है कि वो कई बार डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। कई मर्द इसके चलते जिंदगी से हार जाते हैं। आइए ऐसे ही एक केस की दिलचस्प बातें करते हैं। शालिनी और सुनीत मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठे थे। दोनों वही असमंजस में थे कि बात की शुरुआत कैसे की जाए। शहर के नामी परिवार को पर्सनल बातें शेयर करने में हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ कहें और कुछ और मतलब ना निकल जाए, ये कन्फ्यूजन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। आखिरकार शालिनी ने बात शुरू की। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा रुद्र अब 30 का होने आया। आप उसे अगर एक बार देख ले तो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। उसकी फैशन सेंस तो लाजवाब है ही, वो अपने फिजिक को लेकर भी बहुत कॉन्शियस है। हर रोज सुबह 2 घंटा जिम करता है। खाने पीने में बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है। इतना हैंडसम है कि रिश्तों की तो लाइन लगी है। मगर मुश्किल ये है कि रुद्र शादी करने को तैयार ही नहीं। जब भी शादी की बात करे तो टाल जाता है और कुछ समय से तो गुस्सा होने लगा है। हम दोनों बहुत ओपन माइंडेड है। हमने रुद्र को लड़की के सिलेक्शन के बारे में खुली छूट दे रखी है। फिर भी ना वो कोई रिश्ता आगे बढ़ा रहा है और ना ही हमारे बताए हुए रिश्तों पर मोहर मार रहा है। पहले हमने इसे लाइटली लिया, मगर अब बात हद से बाहर जाती हुई दिख रही है। हमें चिंता होने लगी है और आपके पास आना पड़ा। शालिनी और सुनीत ने अपनी आपबीती मुझे सुनाई तब रुद्र पास ही बैठा था। जाहिर है कि रुद्र अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। माँ बाप अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे और हम सभी की निगाहें रुद्र पर थी। रुद्र को अब इन सवालों के जवाब देने थे। रुद्र को प्राइवेसी देने के लिए और उससे खुलकर बात करने के लिए मैंने उसके माता पिता को बाहर बैठने को कहा और रुद्र को ये भी भरोसा दिलाया कि सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। डॉक्टर साहब, शादी तो मैं भी करना ही चाहता हूँ, लेकिन एक बड़ी समस्या है। ये बात मैंने अब तक किसी से नहीं कही, मगर लगता है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। दरअसल मुझे पिछले काफी समय से लग रहा है कि मैं अब मर्द ही नहीं रहा। ये बात कहते कहते रुद्र की आंखें भर आई, वो चुप हो गया। मैंने उसे खुलकर बात करने के लिए कहा, पूछा कि ऐसा उसे क्यों लग रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह? सर, मैं कुछ सालों पहले अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने गया था। दोस्तों ने शराब पी थी, मगर मैं दारू सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाता। वहां हमने कुछ तूफानी करने की सोची। हमने प्रोफेशनल गर्ल्स को पार्टी में बुलाया था। मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, मगर मेरे लिए किसी लड़की के साथ इंटरकोर्स का ये पहला मौका था और अब तक का आखिरी भी। सच कहूं तो मैं उस रात परफॉर्म ही नहीं कर पाया। वो मेरे पास आई और मैं पसीना पसीना हो गया। मेरे कई प्रयत्नों के बावजूद मैं फेल हो गया। मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब वो लड़की जाते जाते मुझ पर हंसती। वो हंसी आज भी मेरे दिलो दिमाग पर एक बुरे सपने की तरह हावी है। जब भी किसी लड़की के साथ इंटरकोर्स की बात भी सोचता हूं तो दिल बैठ जाता है कि उस रात जैसा हुआ तो और एक लड़की मुझ पर हंसकर चली जाएगी। ये बात बाहर फैल गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि हैंडसम हंक बनकर घूमने वाला रुद्र मर्द ही नहीं? इस स्थिति का सामना करना मेरी बर्दाश्त के बाहर है। इससे अच्छा तो मैं कवारा ही रह जाऊं, इस तरह की मोमेंट का सामना ही ना करना पड़े। दोस्तों, रुद्र इस बात को जितना सीरियसली ले रहा था उतनी गंभीर बात थी नहीं। रुद्र के सारे हार्मोनल टेस्ट करवाए गए, सब कुछ नॉर्मल था। उसे रूटीन में नेचुरली इरेक्शन भी होता था, मतलब उसे कोई शारीरिक समस्या कतई नहीं थी। रुद्र शिकार था मात्र परफॉर्मेंस एंजाइटी का। दोस्तों, रुद्र की चिंता ऐसी ही थी जैसे कोई स्टूडेंट को एग्जाम में हो जाती है, परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही पसीना छूट जाए, बस वैसी ही घटना मन में भी घटती है। आमतौर पर हमारे समाज में सेक्स को पुरुषों की मर्दानगी और उसके परफॉर्मेंस स्कोर के साथ जोड़ दिया गया है। वास्तव में सेक्स बहुत ही सहज शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर भरोसा करके प्रेम के साथ करीब आते हैं तो भय दूर हो ही जाता है। दोनों को समग्र संभोग की प्रक्रिया में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है।
सेक्स में एक बार मिला फेल्योर मतलब पूरी लाइफ का फेल्योर मान लेना बहुत बड़ी गलती है। और दोस्तों, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ मर्दों को ही होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्त्रियों को भी ये कई बार चिंता होती है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकेंगी या नहीं। वास्तव में दोनों पार्टनर को ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्स के दौरान एक दूसरे के सामने कुछ साबित करना नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होता है। रुद्र की परफॉर्मेंस एंजाइटी एक साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम था। रुद्र को साइकोथेरेपी और काउंसलिंग से सेक्स का स्ट्रेस और डिप्रेशन दूर किया गया। करीब 2 महीने की ट्रीटमेंट के बाद अब रुद्र पूरी तरह से शादी के लिए तैयार है। और ये बात यहाँ नोट करनी जरूरी है कि सेक्स इज अ प्लेजरेबल एक्टिविटी एंड नॉट अ चैलेंज। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमाणी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।